दिसंबर की वो कड़कड़ाती सर्दी और आंसुओं की वो रात 16 दिसंबर कोई नहीं भूला, और आज उसी को याद करने के लिए इस समय हम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मेरे साथ है लेजेंडरी एक्टर सलमा आगा जी, राखी सावंत और म्यूजिक एल्बम को डायरेक्ट करने वाले राकेश जी। सबसे पहले राखी जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होता है, सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन अब तक कोई भी कानून कड़ा से कड़ा नहीं बना है, किस तरह लेती है सरकार की आप बात कर रही है, मोदी सरकार से आपकी काफी इच्छा है, काफी आशाएं आप मोदी सरकार से व्यक्त कर रही हैं, लेकिन तब भी सुरक्षा को अहम मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, किस तरह बताएं? मैं एक मुलाकात मैं मोदी जी से कर चुकी हूं, राजनाथ जी से भी कर चुकी हूं, मुझे जिन्होंने अपनी बेटी बनाया है, बट मैं मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी, हाथ जोड़कर देश की बेटी के लिए, बहू के लिए, बहन के लिए मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि भाजपा सरकार बहुमतों से आई है, हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कूट कूट कर खुशी से वोटों से माला माल कर दिया है, तो उनको ताज बना दिया, उनको पीएम बना दिया है, तो बेटी के लिए, हिंदुस्तान की बेटी के लिए कड़े से कड़े कानून बनाया जाए, सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए कि जब वो बेटी बाहर निकले, घर से बाहर सड़क पर निकले या रात हो दिन हो, तब वो आज़ादी महसूस करे और कोई छेड़ने वाला ना हो और उसे कोई बदतमीजी करने वाला ना हो और उसके साथ उसकी ज़िंदगी मिटाने वाला कोई ना हो, तो इसलिए ऐसे कानून बनाया जाए, या जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे रखे जाए, या ऐसी वैनें जगह जगह पर, जैसे एम्बुलेंस होती है, जैसे पुलिस की वैनें होती है, मैंने देखा है कि पुलिस की वैनें होती है उसमें पुलिस खुद ही सोई हुई रहती है, सुरक्षा के लिए पहुंचेगी कब, पुलिस बाद में पहुंचती है, एम्बुलेंस बाद में पहुंचती है, सबसे पहले घर में पिज्जा पहुंच जाता है, तो ये दुख की बात है। मोदी सरकार अभी भी सत्ता में है, अभी हाल ही में कैब में जो रेप हुआ है उसी को लेकर मैं बोल रही हूँ, जिस तरह से आप सुरक्षा की बात मोदी सरकार से कर रही हैं, अच्छा जताने की सुरक्षा की जो नीतियां हैं वो मोदी सरकार में काफी तेजी से बनाई जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, 2 साल बीत गए हैं, दोषियों को अब तक सजा नहीं मिली। जी बिल्कुल, 2 साल बीत गए हैं निर्भया के केस को, और उनके जो दोषी हैं वो आज भी सुरक्षित है जेल में, वो गवर्नमेंट के कानून की जो है रोटियां तोड़ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपके पास सारे सबूत हैं, तो आप अभी तक कानून, कोर्ट कचहरी, जज साहब, ये सब सबूत मांगते हैं, सारे सबूत होने के बावजूद वो जिंदा क्यों हैं, क्यों हैं, तो उन्हें सजा होनी चाहिए, इसीलिए हम बार बार ऐसे वीडियो निकलते रहेंगे, ऐसे फिल्में निकलती रहेगी, लोग सड़क पर आएंगे, कैंडल मार्च होगा, आवाजें उठेगी, सरकार बदलती रहेगी, लेकिन दोषियों को सजा कब होगी, बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, तो इसीलिए आज हम दिल्ली पहुंचे हैं, सलमा जी, राकेश और ये जो मेरे आंसू जो ये वीडियो है इसलिए लॉन्च किया गया है। मेरे को सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा। मैं यही मेरी खुशनसीबी है कि इतनी सुंदर आवाज जो है मैंने अपने कानों से पहली बार रूबरू मतलब मैंने सुनी, और इतना बढ़िया गाया है राकेश ने, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, जोया एक्ट्रेस है जिन्होंने निर्भया का जो रोल है वो अदा किया है बहुत बढ़िया तरीके से, फिर अपने ललित है, इन्होंने उनके बॉयफ्रेंड का किरदार निभाया है, सारे किरदार नेगेटिव पॉजिटिव, जेल, पुलिस, कानून, ये सारा सब कुछ मिलके इस वीडियो में है, ज़रूर देखें कि वो जो उस टाइम पे जो 2 साल पहले 16 दिसंबर को जो हुआ था सब कुछ ये वीडियो में है, एज इट इज़ कहानी, तो सबने मिलके किया, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस समाज में इस वीडियो को लॉन्च कर रही हूँ और एक मैसेज दे रही हूँ। 2 साल केस को बीत गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा किसके जिम्मे है और इंसाफ कब होगा। कैमरा पर्सन शुभाशीष के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।